किसी भी नेवी के लिए उसकी वॉरशिप्स या वेसल का प्रोपल्शन सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। प्रोपल्शन सिस्टम बेसिकली इंजन सिस्टम जैसे कार कार में एनर्जी जनरेट करने के लिए तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इंजन, गियरबॉक्स एंड शाफ्ट। बट एयरक्राफ्ट्स या नेवल वेसल्स के लिए एक एडिशनल फोर्थ कंपोनेंट होता है प्रोपेलर, जिसकी वजह से क्राफ्ट एयर और वाटर के थ्रू मूव करता है। ये प्रोपल्शन सिस्टम नेवी के सर्फेस सिस्टम्स जैसे मिसाइल बोट्स, कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सब सर्फेस प्लेटफॉर्म्स जैसे सबमरीन्स के लिए वेसल टू वेसल डिफर करता है। प्रोपल्शन सिस्टम टाइम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी में इवॉल्व हो चुके हैं, जैसे पहले विंड प्रोपल्शन से स्टीम प्रोपल्शन और अब डीजल इंजन्स, गैस टर्बाइंस, इलेक्ट्रिकल और मोस्ट एडवांस्ड एंड मॉडर्न न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम्स। इंडियन नेवी की करीब 150 वॉरशिप्स की फ्लीट में से मेजॉरिटी शिप्स को डीजल इंजन्स या गैस टर्बाइंस या फिर डीजल और गैस टर्बाइन का कॉम्बिनेशन सिस्टम पावर दे रहा है। बट कुछ शिप्स अभी भी स्टीम इंजन से चल रही हैं और टाइम के अकॉर्डिंग और बेटर ऑपरेशंस के लिए इनको डीजल में कन्वर्ट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसी वजह से इंडियन नेवी अपनी कुछ वॉरशिप्स के प्रोपल्शन सिस्टम को स्टीम से डीजल इंजन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है। नेवी की ब्रह्मपुत्र क्लास की तीन फ्रिगेट्स स्टीम प्रोपल्शन पर चल रही हैं और ब्रह्मपुत्र क्लास की पहली वॉरशिप INS ब्यास का इंजन रिप्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। INS ब्यास की मिड लाइफ अपग्रेडेशन और इंजन रिपावरिंग के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑन्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 313 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट में INS ब्यास को स्टीम से डीजल इंजन में कन्वर्ट करने के साथ इसका मिड लाइफ अपग्रेडेशन भी इंक्लूडेड है। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग INS ब्यास का ये अपग्रेडेशन प्रोसेस अप्रैल में स्टार्ट हो चुका है। स्टीम प्रोपल्शन से चलने वाली शिप्स में रूटीन में भी और एस के साथ भी कई इश्यूज सामने आते हैं, जैसे कि स्टीम लीक्स और बॉयलर्स और इंजन रूम्स में हाई टेम्परेचर जैसे इश्यूज जो क्रू के लिए अनकंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करते हैं। और तो और स्टीम पावर्ड शिप्स की डीजल पावर्ड शिप्स के कंपैरिजन में मेंटेनेंस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट रहती है। डीजल पावर्ड शिप्स को मेंटेन रखना कंपैरेटिवली इजी होता है। INS ब्यास की सक्सेसफुल अपग्रेडेशन के बाद ब्रह्मपुत्र क्लास की दो और फ्रिगेट्स INS ब्रह्मपुत्र और INS बेतवा को भी डीजल प्रोपल्शन में कन्वर्ट करने का प्लान है। इन शिप्स के अलावा इंडियन नेवी के दो और प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टीम प्रोपल्शन सिस्टम से चल रहे हैं, INS जलाश्वा एंड INS विक्रमादित्य। INS जलाश्वा US नेवी की रिटायर्ड ऑस्टिन क्लास शिप है, जिसको इंडिया ने 2007 में एक्वायर किया था, और INS विक्रमादित्य एक मॉडिफाइड रशियन कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी इंडक्शन इंडियन नेवी में 2013 में हुई थी। मिड लाइफ अपग्रेडेशन और डीजल प्रोपल्शन में कन्वर्जन के बाद वॉरशिप्स की लाइफ भी इंक्रीज होगी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में भी एनहेंसमेंट होगी। फॉर एग्जांपल INS ब्यास, जिसको अगले 10 से 12 साल के अंदर रिटायर किया जाना था, इस अपग्रेडेशन के बाद वो अगले 20 साल तक सर्विस में रहेगी। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग INS ब्यास में USA बेस्ड कैटरपिलर फर्म द्वारा प्रोड्यूस किया गया 6 मेगावाट का मरीन डीजल इंजन यूज़ किया जाएगा। इंडियन नेवी के पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भी हैं, INS अरिहंत एंड INS अरिघात। इसके अलावा नेवी इलेक्ट्रिक पावर्ड वेसल को भी यूज़ कर रही है, दैट इज INS अन्वेष। इंडियन नेवी के मोस्ट ऑफ द प्रोपल्शन सिस्टम्स इम्पोर्टेड हैं और नेवी यूक्रेनियन जोरिया गैस टर्बाइन से लेकर फ्रेंच जर्मन पील स्टिक डीजल प्रोपल्शन जैसी कई वैरायटी के प्रोपल्शंस यूज़ करती है। यूक्रेनियन जोरिया मैश प्रोजेक्ट टर्बाइंस की बात करें तो इंडियन नेवी की 34 फ्रंटलाइन शिप्स को जोरिया गैस टर्बाइंस पावर दे रही हैं और हर वेसल में 4 टर्बाइंस की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टोटल 136 जोरिया टर्बाइंस नेवल वॉरशिप्स में ऑपरेशनल हैं। नेवी की 10 वीर क्लास मिसाइल कैरिंग कॉर्वेट्स, इसके बाद 6 रशियन बिल्ट तलवार क्लास फ्रिगेट्स, दैट इज INS तलवार, INS त्रिशूल, तबार, तेग, INS तरकश और INS त्रिकंड। इसके बाद तलवार क्लास के अंडर 4 एडिशनल फ्रिगेट्स जिनकी डिलीवरी अभी पेंडिंग है। इसके बाद राजपूत क्लास फ्रिगेट्स, कोलकाता एंड दिल्ली क्लास शिप्स में भी यूक्रेनियन जोरिया टर्बाइंस का ही यूज़ किया गया है। जोरिया टर्बाइंस की बेसिक मेंटेनेंस विशाखापट्टनम के मरीन गैस टर्बाइन ओवरहॉल सेंटर में की जाती है, बट क्योंकि इन प्रोपल्शंस को हर 30,000 घंटे के बाद ओवरहॉल किया जाता है, इसी वजह से प्रोपल्शन सिस्टम को ओवरहॉलिंग के लिए यूक्रेन भेजने के बजाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
जोरिया मैश प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइंट वेंचर के प्रोस्पेक्ट्स देख रही है। आईएनएस ब्यास के अपग्रेडेशन प्रोसेस में अभी 2 साल का टाइम लगेगा और मॉडर्नाइज्ड वेपन सूट और अपग्रेडेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी और नए डीजल इंजन के साथ आईएनएस ब्यास 2026 में नेवी की एक्टिव फ्लीट को ज्वाइन करेगी।